इस वक्त टिकट के दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि एक तरफ वो आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं और सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगले साल यूपी में चुनाव है जिसकी जमीन अभी से बनाई जाने लगी है। इसीलिए टिकैत पुराने गिले शिकवे भुला रहे हैं, जाट और मुसलमान को एकजुट कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं से गले मिल रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताना चाहेंगे। दिल्ली हिंसा के उपद्रवियों की फोटो जारी कर दी गई है। 26 जनवरी को हिंसा करने वाले उपद्रवियों की तस्वीरें आ चुकी हैं और उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। तस्वीरें आप भी देखें। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये वो लोग हैं जो कभी भी पुलिस से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इन सभी के चेहरे कैमरे में कैद हो गए। इन तस्वीरों को देखें आप, ये वो लोग हैं, दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, जो मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा 26 जनवरी से लगातार बता रहे हैं उन्होंने सबको कैप्चर किया है। जितेंद्र मेरे साथ है। जितेंद्र, कितने तस्वीरें यहां पर रिलीज की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए 15 के करीब तस्वीरें हैं जो अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से रिलीज की गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास 1500 के करीब ऐसे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप्स हैं जिनके जरिए लगातार उन उपद्रवियों की फोटो निकाली जा रही है जिन्होंने लाल किले में हिंसा की और इसके अलावा दिल्ली के तमाम इलाकों में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा की थी। तो इन तमाम लोगों के फोटोग्राफ्स निकाले जा रहे हैं और उसके आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा गुजरात से 2 टीम दिल्ली में इस वक्त यहाँ पर कैंप की हुई है। ये जो दोनों टीमें हैं, फोरेंसिक टीम जो गुजरात की जो लैब है वहां से ये टीमें आई और इनको इस काम के लिए लगाया गया है कि जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं उनमें से इस तरीके से उपद्रवियों की फोटो निकालें और उसके बाद उनकी पहचान करने की दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश। ये जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं, जो आपने दिखाई है अभी, ये ज्यादातर लाल किले की लग रही है ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें लाल किले की है और इसके अलावा दिल्ली के आईटीओ में, इसके अलावा मुकरबा चौक पर, लांगलोई में जहां जहां उपद्रव हुआ उन तमाम इलाकों की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल क्लिप दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है और उन सभी की मदद से ये फोटो तैयार की जा रही है और उसके बाद सभी की गिरफ्तारी भी की जाएगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।